प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रिंट कल्चर के क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए पार्ट की, जिसका नाम है गुटेनबर्ग प्रेस। गुटेनबर्ग प्रेस वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ यूरोप। गुटेनबर्ग प्रेस जो थी, ये यूरोप की पहली प्रिंटिंग प्रेस थी। इट वाज इन्वेंटेड बाय द जॉन गुटेनबर्ग। ये इसका आविष्कार किया गया जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा। ही वाज द सन ऑफ अ मर्चेंट। वह एक व्यापारी के बेटे थे। एंड ग्रू अप अ लार्ज एग्रीकल्चर इस्टेट, और उनका पालन पोषण भी उसी हिसाब से हुआ, राजसी ठाठवाद के साथ। फ्राम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ओली प्रेसेस। बचपन से ही उसने कौन सी प्रेसेस देखी थी, उसने ऐसी प्रेसेस देखी थी जो वाइन और ओलिव के ऊपर चलती थी। कहने का मतलब पैरिन तेल और जैतून के तेल के ऊपर चलने वाली प्रेसेस को उसने देखा था। द ओली प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस। और ओली प्रेस ने उसको एक मॉडल प्रोवाइड किया, जिससे कि उसने एक नई मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन के आधार पर उसने मोल्ड्स वर यूज फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। उसने क्या किया, इस मशीन को आधार बनाकर, ओली प्रेस को आधार बनाकर उसने एक नई मशीन का आविष्कार किया, जिसके ऊपर उसने अब लकड़ी की बजाय मेटल्स के अल्फाबेट से उसने वर्ड्स बनाने शुरू किए। By 1448 ही perfected the system। और 1448 में उसने इस मशीन का आविष्कार कर लिया, या इस मशीन को बनाने में वो परफेक्ट हो गया। बाइबल वॉज द फर्स्ट बुक विच वॉज प्रिंटेड फ्रॉम दिस प्रेस एंड टोटल 180 कॉपीज इन 3 ईयर। और कहते इस मशीन के द्वारा जो सबसे पहली बुक बनाई गई उसका नाम था बाइबल, और इस बुक की 180 कॉपीज बनाने के लिए 3 साल लग गए। तो कहने का मतलब कि जो पुराने ज़माने की मशीन थी, जो पहले चलती मशीन आविष्कार इस मशीन का किया गया था, अब उस मशीन को आधार बनाकर गुटेनबर्ग ने एक नए तरीके की मशीन का आविष्कार किया गया, और उन्हीं के नाम के ऊपर इस मशीन का नाम रखा गया गुटेनबर्ग प्रेस। सेकंड क्वेश्चन है इरेस्मस आइडिया ऑफ द प्रिंटिंग बुक। कहते हैं इरेस्मस के आइडियाज़ प्रिंटिंग बुक को लेकर क्या थे। कहते हैं इरेस्मस द लेटिन स्कॉलर। इरेस्मस कौन था, इरेस्मस एक लेटिन स्कॉलर था। कहने का मतलब कि रोमन भाषा का वो एक विद्वान था। वॉज नॉट हैप्पी विद प्रिंटिंग ऑफ बुक्स। वो इन प्रिंटिंग बुक्स को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। बिकॉज ही वॉज अफेयर दैट दिस वुड लीड टू सर्कुलेशन ऑफ बुक्स विद रिबेलियस आइडियाज़। क्योंकि वे ये सोचते थे, उनको ये डर था कि इस तरीके के अगर बुक्स का सर्कुलेशन होता है तो इस तरीके से रिबेलियस आइडियाज़, यानी कि विद्रोही जो विचार हैं, वो हर एक बंदे तक पहुँचेंगे। ही फेल्ट दैट ऑल्दो अ फ्यू बुक्स मे गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन। उनका ये विचार था कि कुछ ही बुक्स ऐसी होती हैं जो यूजफुल होती हैं, द मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स मे बी जस्ट यूजलेस। और ज़्यादातर बुक्स जो हैं वो यूजलेस होती हैं, और गिव स्टूपिड स्कैंडलस ऑफ रिलीजियस आइडियाज़। और ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो इस तरीके के विचार देती हैं जो हमारे धर्म के खिलाफ होते हैं, विच मे लीड टू इन सेंटिमेंट ऑफ द रिवेलियन। जो कि इन बुक्स के द्वारा आम जनता तक ऐसे विचार पहुँचेंगे जिससे जनता जो है वो एक विद्रोह की भावना को अपने अंदर समेटेगी। तो कहने का मतलब कि विद्रोह की भावना को लेकर आम जनता जो है वो सरकार के खिलाफ हो सकती थी। थैंक यू।